देव जी की पवित्र नगरी सुल्तानपुर लोधी विच लुटेरे चुस्त ते पुलिस सुस्त नज़र आ रही है। जी हाँ, सुल्तानपुर लोधी जोन लुटेरा गिरोह ने पिस्तौल की नोक ते मारिया डाका। शरेआम पिस्तौल ताण के दातर नाल डरा के दुकान चो लुटे हजारा रुपए। पुलिस वालों मामला दबाने की कोशिश। इत्थे बीती शाम एक पतंजलि केंद्र विच पिस्तौल की नोक ते लुटेरे शरेआम डाका मार के हजारा रुपए की नकदी दुकानदार के गले चो कढ के फरार हो गए। पर यह स्थानक पुलिस हाले तक यह मनन नू तैयार नहीं कि दुकानदार के पैसे की कोई लुट हुई है। सीसीटीवी कैमरे च कैद हुए इस डाके ने दुकानदार परिवार को इन्ना डरा दिता है कि वह हुण तक मूँह खोलण नू भी तैयार नहीं सी। दूजे पासे पुलिस अधिकारी भी इस मामले नू मामूली लड़ाई दस रहे हैं, जबकि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चीख चीख के पुकार रही है कि यह पिस्तौल की नोक से तेजधार हथियारों नाल भीड़ भाड़ वाले इलाके च दुकान ते डाका वज्जा है। यह दुकान सुल्तानपुर लोधी के सब तो वध संघनी आबादी वाले अरोड़ा रस्ता मोहल्ले की मुख्य रोड से पैंदी है, जिथे बहुत ज़्यादा आवाजाई रहती है। लुट की इस वारदात संबंधी थाना सुल्तानपुर लोधी के मुखी नू दित्ती शिकायत दुकान मालक नरेश कुमार सेठी पुत्र राजपाल सेठी निवासी मोहल्ला अरोड़ा रस्ता सुल्तानपुर लोधी ने दसिया है कि उसके घर के हेठा ही यह दुकान है, जिस विच पतंजलि केंद्र खोलिया होया है ते जिथे डे डाका बजा है। जबकि सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो पता लगता है कि एक मोटरसाइकिल ते तीन नकाब पोश लुटेरे आए, जिन्हों चो एक दुकान के बाहर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके खड़ा रहा ते दो लुटेरे अंदर एक घटना को अंजाम देते गए। इस घटना विच उन्होंने 20,000 तो वध नकद कैश कढ लिया है ते दुकानदार दे बेटे नू धमकी भी दिती है कि जेकर उसने रौला पाया तो वह उसनू जानों मार देंगे। इस लुट की वारदात संबंधी थाना सुल्तानपुर लोधी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।